सब्सक्राइब। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग खेलने वाले हैं कुछ भी नहीं। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं 4-in-1 डायनासोर के दो पीसेस। अरे भैया पेड़ हिल गया। ओके, 4-in-1 डायनासोर के दो बॉक्सेस, दो पैकेट्स। तो फिर ये 220 रुपीज़ का एक पैकेट है और दूसरा भी 220 रुपीज़ का ही है। ये चारों अलग अलग डायनासोर्स मिलते हैं इसमें और आज हम लोग इनको अनबॉक्स करके इसे रिव्यू करने वाले हैं। इनका नाम वगैरह जानेंगे, ज़्यादा नाम वाम पता तो है नहीं मुझे, मतलब बाकी का पता है, पर ये थोड़े अटपटे से डायनासोर दे के रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो फिर आगे सबसे पहला डायनासोर हमारा अनबॉक्स करते हैं जिसका नाम है सिंपली, हम लोग पहला डायनासोर रखेंगे हमारा ट्राइसेरोटॉप्स, जिसने दिया है हमारा इंट्रो थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ, मैंने लिया इंट्रो। Yes. ये है बेबी ट्राइसेरोटॉप्स। इसकी मम्मी तो मुझे नहीं पता कहाँ पे है अभी। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, इसके मुंह में भी बहुत अच्छी सी शेडिंग करके रखी है। भाई साहब फोकस कर लिया। ओके, फोकस कर लिया। ओके, ये देखो इसका एक थॉन। और अभी ये फोकस करना क्या कर रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे इसका थॉन और ये बाकी के इसके कांटे कांटे, और यहाँ पे एक गिरगिट वाली शक्ल दे रखी है इसको। ये देखो अभी ब्लैक है, अभी येलो हो गया, अभी ब्लैक, अभी येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक येलो, ब्लैक। तो फिर अभी इसकी ये रही इसकी लंबी सी पूंछ, और इसकी आंखों में भी थोड़ा थोड़ा दे रखा है, मतलब शेडिंग करके रखी है थोड़ी थोड़ी। अरे भैया कैमरा मत हिला। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा एक डायनासोर, इसको बाजू में कर देते हैं, अभी दूसरा डायनासोर अनबॉक्स करते हैं। तो फिर हमारा दूसरा डायनासोर होगा बैरोनिक्स। जी हाँ, ये रहा हमारा बैरोनिक्स। ये बैरोनिक्स जैसा दिख तो नहीं रहा है क्योंकि ये उसका बच्चा है, शायद से ये कोई और डायनासोर हो सकता है, पर मैंने जो रिसर्च किया है ना उसके हिसाब से ये तो बैरोनिक्स ही होना चाहिए, बेबी बैरोनिक्स। ये प्लास्टिक मटेरियल का बना है पूरा का पूरा, पर ये प्लास्टिक तो थोड़ा, मतलब रबर है ये मटेरियल, प्लास्टिक नहीं, थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग है इसमें प्लास्टिक का भी। और इसके दांतों को मतलब पूरा ब्रश ही करवा दिया है, इसकी जीभ भी पूरी। अब हमारे अगले डायनासोर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मिगेलोसॉरस। जी हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल ही ऐसा अजीब सा डायनासोर है। इसने तो बाप रे सारी दुनिया की सारी टूथपेस्ट लगा दिया दांत में, और ये इसका स्केल भी बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने। इसके हाथों के, इसके नेल्स देख सकते हैं आप लोग, कभी नेल्स नहीं काटता। क्या कर रहा है ये, कोई वीडियो गेम खेल रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, और अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके पैर। इसके पैर बिल्कुल रैप्टर जैसे पैर बना के रखे, एकदम एक नेल ऊपर रहता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले डायनासोर की तरफ जिसका नाम है क्या नाम था उसका। अभी हमारे अगले डायनासोर का नाम है थेरिजेनोसॉरस। यस, थेरिजेनो, थेरिजेनो या फिर थेरिजेनो, मुझे नहीं पता। और इसके नेल्स आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे खासियत है इसकी, बहुत ज़बरदस्त डायनासोर है ये। इसको बनाया भी बहुत अच्छी तरह से गया है। इसके दांत तो, मतलब इसने तो ब्रश नहीं किया है, ये तो पक्का है। लोग इसका भी स्केल देख सकते हैं, इसकी गर्दन बहुत लंबी है। असल में टीरेक्स से तो बहुत ही बड़ा है, लंबा है टीरेक्स। इसके सामने इतना सा वगैरह होगा, समझो कि ये टीरेक्स है इसके सामने। ओके, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले डायनासोर की तरफ। मैंने तो दिखाया ही नहीं ठीक से भाई, कहाँ अगले डायनासोर की तरफ जा रहा हूँ मैं। Yes. ये ऐसे खड़ा रहता है, पता नहीं ये खड़ा क्यों नहीं रहते ज़्यादातर डायनासोर इसमें से। ये देखिए, इसके पैर में एक छोटी सी एकदम डिटेल रखी है कि ऐसे चल रहा है, और एक पैर इसका स्टीप है। यहाँ पे इसके नेल्स भी हम लोग चाहे तो इससे ऐसे ऐसे स्टॉप मोशन कर सकते, खेल सकते हैं जो भी। वो ये तो मज़ेदार है भाई, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी हमारा अगला डायनासोर है एलोसॉरस। जी हाँ, ये देखिए, ये है एलोसॉरस। ये है वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कार्निवोरस डायनासोर। ये टॉप 10 वाली लिस्ट में नंबर 6 पर आता है शायद से। तो फिर ये है हमारा एलोसॉरस। तो ये देखिए, ये ऐसे खड़ा रह सकता है, इसका कोई भी पार्ट हिलता नहीं है। हम लोग चाहे तो, ये रबर है ना इसीलिए इसकी पूंछ भी ऐसे कुछ हिला सकते हैं हम लोग, पर वो वापस वैसे ही खड़ी रह जाएगी। अभी इसकी मुंडी ऐसे टिल्टेड है। ओके, तो फिर ये, इसको थोड़ा सा मतलब फिजिक्स लगानी पड़ती है,
से खड़ा करने के लिए, ये देखो मुश्किल से खड़ा होता है ये। और अभी बढ़ते हैं हमारी अगली डायनासोर की तरफ, जिसको आपने देखा होगा जुरासिक पार्क की हर एक मूवी में, हम लोग कह सकते हैं। और ये रहा हमारा डायनासोर जिसका नाम है वेलोसिरैप्टर। ये जो वेलोसिरैप्टर है ये बहुत खतरनाक होते हैं डायनासोर्स। ये इसके मुंह को एकदम सेम वेलोसिरैप्टर जैसा बना के रखा है, एकदम सेम दिख रहा है ये, जैसे कि मूवी में दिखाया गया था। और अभी इसके हाथ देखो, इसके हाथ एकदम टिल्टेड है ऐसे। और ये इसके लिए भी फिजिक्स लगानी पड़ती है। कैसे भाई, कैसे होता था? ओके, आप लोग देख सकते हो इसकी लंबी सी पूंछ जो कि हर एक मूवी में हिलाता रहता है और कूद पड़ता है नींव पे। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले डायनासोर की तरफ, जिसका नाम है मजुंगासॉरस। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब नाम लग रहा है मजुंगा, पर ये वैसा ही है नाम। मुझे ये तो श्योर ही है कि मैं गलत स्पेल कर रहा हूँ। पर ये देखो अभी इसका मुंह वगैरह ये खुलता बंद नहीं होता। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इसको कि ये एक ही हाथ पर ऐसे खड़े होगा, दूसरा हाथ इसका नीचे। मुझे सोने दो, नहीं खड़ा रहे, सोना नहीं अभी। इसको आप लोग ऐसे भी खड़े कर सकते हो, ऐसे पूछ को ऐसे करके। ये जो सारे टॉयज है ना, ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदे हैं, तो आपको चाहिए तो आप भी खरीद सकते हो। आता है हमारा लास्ट डायनासोर जो कि सबको पसंद है, जो कि सारे जुरासिक सीरीज में दिखाया गया है और सबका फेवरेट डायनासोर, जिसका नाम है टीरेक्स। दोस्तों ये है हमारा टी रेक्स, यानी कि टायरेनोसोरस रेक्स। ये बिल्कुल उसका बच्चा है, ये बड़ा वाला नहीं है। तो फिर अभी देखिए टी रेक्स जैसे ही, इसके दो छोटे छोटे हाथ है, यहाँ पे भी एक छोटा सा हाथ है। यहाँ पे इसके मुंह पे फोकस कीजिए तो फिर आप लोगों को दिखेगी इसकी खतरनाक वाली आँख। इसके मुंह में पूरा फैंटा भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये जो टी रेक्स जो है, जो इसकी स्पाइन होती है मेन, फिर जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो है ये यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा वाला जो नेल होता है वो भी दिया गया है, पर इसकी थोड़ी सी डिटेल दी गई है, ये देखो। बाकी ये इसकी लंबी सी पूंछ, और ये शायद ये भी खड़ा नहीं होगा। जा गिर ले जा, मजा आया क्या? नहीं। तो ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।